दोस्तों बिल्कुल अभी अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ जी दोस्तों, नई अतिथि शिक्षक भर्ती 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल 18 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगी, जो कि 31 जनवरी 2023 तक जारी रहेगी। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इस अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वगैरह की सारी जानकारी इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों ये एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट edu.del.nic.in है। यहां पब्लिक सर्कुलर के सेक्शन पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो कि है कुछ इस प्रकार से। 18/1/2023 शाम 5 बजे से और 31/1/2023 शाम 6 बजे तक आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से ही। जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी आपको वो जानकारी भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ड्राइंग ए पैनल ऑफ स्पेशल एडुकेटर प्राइमरी गेस्ट फॉर एंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल फॉर अकेडमिक ईयर 2022-23। हाँ जी दोस्तों, स्पेशल एडुकेटर प्राइमरी अतिथि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ गया है। एलिजिबिलिटी वगैरह मैं अभी आपको बता देता हूं। बिल्कुल गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से है। मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। आपके 10th के मार्क्स की वेटेज होगी 20, 12th के मार्क्स की वेटेज होगी 35 और डीएड स्पेशल एजुकेशन और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन स्पेशल एजुकेशन एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स की वेटेज 45। तो कुल 100 में से जो भी मेरिट में कैंडिडेट आएंगे टॉप में, उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, उन्हें स्कूल अलोकेट कर दिया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब देखते हैं इनकी एलिजिबिलिटी। ये देखिए, 10+2 आपने कर रखी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से। 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम इन स्पेशल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन एनी कैटेगरी ऑफ डिसएबिलिटीज। हाँ जी दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन में आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो या उसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन जो कि RCI से रजिस्टर या अप्रूव आपकी होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपका CTET का पेपर 1 भी क्लियर होना आवश्यक है और रिहैबिलिटेशन काउंसिल में भी आपका रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है। ये है दोस्तों इनके लिए क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर दीजिए। मैक्सिमम एज लिमिट मेल कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल, रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर इन केस ऑफ SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जा रही है और 10 साल की छूट है PWDs कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, और अगर SC ST से हैं तो 15 साल और अगर OBC से हैं तो 13 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। और जहां तक सैलरी की बात है, 1364 रुपये पर डे के हिसाब से आपको इसमें सैलरी मिलेगी। आवेदन करने के लिए आप गूगल क्रोम ब्राउजर का ही इस्तेमाल करें। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी वो जानकारी भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल शॉर्ट में आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।